नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अभी हो रखा है दोपहर का समय, दोपहर ही हो रखी है, मतलब 1 बजने वाला है। और मैं घर के काम सब कर चुकी हूँ और अभी सोना स्कूल से आएगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। सोना, अंदर किचन में बैग को उसकी जगह पर रखो, सही से उठाओ, सीट तो नहीं है बैग। हाथ दिखाओ अपना, मैम ने तो चार दिया। वाओ। तो जी देखिए, स्कूल से आते ही सोना तो खा रही है आइसक्रीम, और वो भी वाटरमेलन की। तो मैंने उसका जूस निकाला था, तो मैंने उसी की आइसक्रीम जमा दी थी उसके लिए। और नैना खा रही है अपना चॉकलेट आइसक्रीम, वो तो बाज़ार की है तो उसको खा रही है, और ये घर वाली आइसक्रीम खा रही है। और अभी हो गया है रात का समय, तो हम लोग जाएंगे आज एक शादी में। आपने सुना होगा जैसे सोना स्कूल से आई थी तो उसने बोला था, अरे मुझे लगा कि आप तो बुआ की शादी में चली गई हो। तो जो हमारे घर के सामने रहते हैं, तो उनके यहाँ पे उनके यहीं पर शादी है, तो हम लोग जाएंगे उनके यहाँ शादी में। प्रोग्राम है पश्चिम विहार, तो हम लोग पश्चिम विहार जाएंगे शादी के लिए। तो हम सब तैयार हो रखे हैं, और जाने से पहले कमरा स्ट्रेस हो ही जाता है, तो मैं बस कमरा ठीक कर रही थी, क्योंकि जब लौटेंगे तो फिर कमरा फैला हुआ होगा, और आकर जब वहाँ से आएंगे तो हम ये जो हम पहन के जा रहे हैं सारे कपड़े, ये भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ऐसे उतार के फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी टाइम ज़्यादा हो रखा है। मेरे ख्याल से 8 के आसपास का टाइम हो रखा है। थोड़ा जल्दी निकलना था, लेकिन वही निकलते निकलते देर हो ही जाती है, तो बस इसलिए बच्चे तैयार हो चुके हैं। और नैना दुपट्टा लेके जा रही थी, तो उसको मना कर रही थी कि नहीं दुपट्टा लेके मत जा, क्योंकि मुझे पता है दुपट्टा लेकर के जाएगी और फिर दुपट्टा मुझको ही दे देगी। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मत ले इसको, वरना तो मुझे ही देगी। तो अब ये भी आ गए हैं, और चलिए चलते हैं शादी में, आप लोग भी चलिए। भूख लग रही है बच्चों को। तो हम जा रहे हैं शादी में, और तो क्या, तो बस चलो शादी में चलते हैं। अरे यार क्या, तो जी रास्ता तो यही है, सिग्नेचर ब्रिज से होते हैं हम लोग जाएंगे पश्चिम विहार। और सिग्नेचर ब्रिज पे ना बहुत सुंदर होती लाइटिंग ना, मतलब पिंक पर्पल इस तरह की लाइट जल रही थी, लेकिन जब तक हमने कैप्चर करने की कोशिश की, जब तक कैमरा ऑन किया, तब तक हम थोड़ा आगे निकल चुके थे, तो थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाए, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और बच्चों को ना इस समय जोरों की भूख लगी हुई है, क्योंकि वो स्कूल से आई सोना, फिर उसने खाना वगैरह खाया और फिर वो सोई, तो हम लोग भी उसके साथ सो गए। फिर जब शाम को उठे, तो उठते ही मैंने बोला था बच्चों से कि दूध वगैरह ले लो, तो उन्होंने लिया नहीं, और फिर उनके पापा का फ़ोन आ गया कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो बस फिर तैयार हुए और फिर हम लोग बस निकल लिए आने के लिए। तो मतलब अभी हम घर गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, उससे पहले बच्चों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। उनको लगा कि हाँ शायद पापा रास्ते से कुछ ले लेंगे खाने के लिए, तो इसलिए बोल रहे थे कि मतलब बच्चों को लगता है कि चिप्स ले लो, गाड़ी में बैठ गए हैं तो चिप्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो बच्चों को यही सब लगता है। और इस रूट पर तो मैं पहली बार आई हूँ, मैं इस रूट पर कभी भी नहीं आई, आज पहली बार आई हूँ। और हमें ये जो है ना रेडिशन, इसके पास ही जाना है, तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं शादी में। और इसके रेडिशन ब्लू के बिल्कुल पास में थी मतलब ना शादी, तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं शादी में। और यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा था। तो चलिए आप लोगों भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए शादी को, और बताइएगा शादी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, तो थोड़ी देर बाद ही ना एंजल भी हमें मिल गई,
और नैना और एंजल इस तरीके से गले मिली जैसे कि पता नहीं कब की बिछड़ी हुई थी दोनों की दोनों। तो और फिर नैना उसको बुला करके लेकर के आई कि आज मम्मी ना वीडियो बना रही हैं तो हम दोनों फोटो खिंचाते हैं। तो फिर मैंने दोनों की पिक क्लिक की और फिर एंजल बोल रही थी कि उसका कोई डांस वगैरह है तो डांस वगैरह करेगी। तो ये देखिए सब आ रखे हैं और सब खा रहे हैं और यहाँ पे सोना को लग गई ठंड, क्योंकि मैंने उसको बोला था फुल स्लीव पहन ले तो उसने पहना नहीं। और फिर मुझे भी लगा गर्मी का मौसम है तो ऐसा कुछ है भी नहीं ज़रूरी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था ना इसलिए। और यहाँ पे हमारा औरतों का गैंग और औरतों की फेवरेट चीज़ गोलगप्पे, तो बस हमने गोलगप्पे मंगाए, उससे 4 ही पीस लेकर के आया था बस, तो सबने खाया, एक एक दो दो पीस हम सबने खाए और फोटो क्लिक करी। और ये देखिए यहाँ पर मैं सोना को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि सोना पे नज़र रखनी पड़ती है तो कैमरे के द्वारा ही। तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, अपनी चप्पलें उतार रखी हैं, मतलब अपने सैंडल उसने उतार रखे हैं और मुझे नहीं पता उसने कहाँ रखे हुए थे। मैंने बाद में गौर किया कि नंगे पैर ही दौड़ रही है इसके ऊपर ना, इधर से उधर नंगे पैर ही दौड़ रही थी और डीजे पे जाके खुद ही डांस कर रही थी। और बच्चों को तो ऐसे ही होता है कि हाँ बच्चे मिल जाएँ तो वो लग जाते हैं खेल में ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से। बस थोड़ा डर लग रहा था कि ना क्योंकि बाहर ना निकल ना जाए बच्चे ना, ऐसा लग रहा था मेरे को। थोड़ा ये था कि भाई कोई गेट पे खड़ा भी नहीं था कि चलो कोई रोक लेगा, लेकिन वो अंदर ही खेल रही थी वैसे भी। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग बोल रहे थे कि चलो एक ही प्लेट में खा लेंगे खाना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ना प्लेट जो शेयरिंग है मतलब वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस तरीके से लिखा हुआ कि शेयरिंग ऑफ प्लेट इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने कहा अरे वाह ऐसे भी लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए सोना कर रही थी डांस, तो गाना बज रहा था मतलब तो गाना चल रहा था तो वो डांस करने में लगी हुई थी और डांस करते करते बिल्कुल मेरे पास तक आ जा रही थी। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा दूर तो करो डांस तभी तो आओगी, लेकिन वो फिर भी अपने हिसाब से करे जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। और ये है दुल्हन की भाभी, ये देखिए। तो बस अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं और मैंने कहा चलो फोटो क्लिक करते हैं। और अच्छा लगता है ना फिर बाद में इससे मेमोरी रह जाती है देखने के लिए ना। और यहाँ पे ये सब क्या है सोना नैना ने क्लिक ना, तो क्योंकि वही गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे बच्चों का डांस वगैरह है, तो ये देखिए बच्चे डांस वगैरह कर रहे हैं और गाने चल रहे हैं अच्छे से, सब खूब इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ पर ना वो जयमाला का जो हुआ था फंक्शन, वो क्या हुआ वो ना जाकर नीचे हुआ था और यहाँ पे एंजल नाच रही है 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी पे। तो ये देखिए ये इसी कज़न है एंजल की और ये सब कज़न सिस्टर ही हैं इसके साथ। तो बच्चे लग रहे हैं डांस करने में और नैना इनको रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी, मैंने उसी को दिया था। तो ये देखिए ये था पूरा का पूरा यहाँ का मॉल जहाँ पर शादी थी, बहुत सुंदर था ये भी ना। तो ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन चल रही है वहीं पर होएगा जयमाला का प्रोग्राम। तो हम सब लोगों को फिर बोला गया कि आप लोग नीचे आ जाइए क्योंकि जयमाला नीचे ही होगी। तो फिर सब लोग गए और ये आंटी जी हैं दुल्हन की मम्मी, तो सब जा रहे थे नीचे। तो फिर मैंने बोला कि चलो यहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या करेंगे जा कर के नीचे, लेकिन फिर जब सब गए तो फिर हम लोग भी उनके साथ चले गए थे नीचे। तो ये देखिए दुल्हन की एंट्री। तो चलिए अब थोड़ा लगाती हूँ म्यूजिक और आप लोग भी इंजॉय कीजिए म्यूजिक को।
सोना रुको, आ रहे ना, खींचो तेरी फोटो का। तो चलिए दोस्तों, अब शादी हो चुकी है, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमें सिर्फ जयमाला देखनी थी। अब होंगे फेरे वगैरह, तो हम चलते हैं अपने घर, क्योंकि कल बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।